तो दोस्तों फाइनली आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग लेकर आया हूँ जो कि रियलमी एक्स है। और ये स्मार्टफोन आज लॉन्च हो चुकी है और इस स्मार्टफोन का ओनियन लुक मेरे पास आ गया है जो कि बहुत ही बेहतरीन डिजाइन के साथ है। और दोस्तों इसका डब्बा आप देख सकते हैं, इसके डब्बे पर लिखा हुआ रियलमी एक्स। और दोस्तों ये स्मार्टफोन मुझे कंपनी के द्वारा प्रोवाइड नहीं की गई है क्योंकि दोस्तों ये चाइना वेरियंट है। और साथ ही में दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बेहतरीन लुक देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बॉक्स में आपको छोटी छोटी चीज देखने को मिलती है, जैसे कि इसमें आपको एक टीपीयू केस देखने को मिलता है, 20 वॉट का वूक का चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और उसके साथ कुछ ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलता है जो कि हर कंपनी प्रोवाइड करती है। इन सबको साइड करते हैं दोस्तों और फोन की तरफ बढ़ते हैं और फोन की लुक्स को देखते हैं कि फोन में क्या कुछ लुक्स देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं फोन की बहुत अच्छी से लुक दिखा रहा हूँ आपको, देखिए फोन बहुत ही काफी यूनिक लुक्स के साथ है। दोस्तों मैंने ये स्मार्टफोन इसलिए चुना है क्योंकि दोस्तों आपको YouTube पे बहुत सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे जो कि स्पाइडरमैन एडिशन का अनबॉक्सिंग आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में इस स्मार्टफोन का ब्लू वेरियंट जो कि बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, उसका भी अनबॉक्सिंग आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों मैंने इस स्मार्टफोन को चुना है क्योंकि इस स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग आपको बहुत ही कम देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इस स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों साथ ही में उसके मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, हम भविष्य में आपको इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपका एक लाइक अपने इस चैनल के लिए और आपको एक और अच्छा वीडियो मिलने वाला इस चैनल की तरफ से। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए स्मार्टफोन की लुक्स को तो पूरा प्याज कलर का देखने में लगता है दोस्तों कि बैक साइड में आपको बहुत ही अच्छा डुअल लेयर कैमरा का सपोर्ट भी देखने को मिलता है जिसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल्स का है। और साथ ही में दोस्तों इस स्मार्टफोन के अगर हम डिजाइन को देखें साइड बाय साइड तो बहुत ही बेहतरीन लुक देखने में है। इसके ऊपर में दोस्तों आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा का ऑप्शन देखने को मिलता है और उसके साइड में आपको वॉल्यूम लुक बटन और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको पावर बटन, नॉइज कैंसिलेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बैक साइड में जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों डुअल लेयर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर फ्रंट की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का फुल एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलता है जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ आता है और इसमें आपको कोई भी नॉइज देखने को नहीं मिलती है क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो कि बहुत ही फास्ट काम करता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और फ्रंट साइड में दोस्तों आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही फास्ट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये रेडमी K20 से भी ज़्यादा फास्ट काम करता है। और उसके साथ ही में दोस्तों इस स्मार्टफोन में जो आपको वूक का चार्जर देखने को मिलने वाला है वो 20 वॉट का है जो कि बहुत ही फास्ट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये चाइना वेरिएंट है इसलिए इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन के 710 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, इंडियन वेरिएंट में आपको इससे चेंज देखने को मिल सकता है। और फाइनली दोस्तों यही थी कुछ स्मार्टफोन की फर्स्ट लुक फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में। आपको ये स्मार्टफोन का लुक कैसा लगा, डिजाइन कैसा लगा हमें कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। सो दोस्तों फाइनली आपके लिए कुछ मैं आपको सैंपल शॉट भी दिखा देता हूँ इस स्मार्टफोन के कैमरे से जो कि लिया गया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड जय हिंद, भारत माता की जय।